بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के सबके। हाँ जी, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज अपना KF3 का फर्स्ट लेक्चर। जो लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था कि किस चैप्टर में से कितना पेपर आता है, और साथ हमने देखा था कि क्या रीजंस हैं कि स्टूडेंट्स इसमें फेल हो जाते हैं। अब हमने देखना है कि सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हमने कोई कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना, कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करना। इसमें हमने सिर्फ ये सीखना है कि कौन कौन सी बेसिक टर्म्स हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर इस्तेमाल होती है, ठीक है। और साथ हम ये सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप की जो कॉस्टिंग है उसमें, उसकी टर्म्स में जो फिक्स्ड कॉस्ट है या वेरिएबल कॉस्ट है या डायरेक्ट कॉस्ट है, ये सब चीज़ें सीखेंगे। मतलब ये टर्म्स किसी चैप्टर में नहीं है, ये टर्म्स सारे चैप्टर्स में इस्तेमाल होगी, ठीक होगी बात। तो ये टर्म्स आप चाहे तो नोट कर लो साथ साथ, और समझना ज्यादा जरूरी है, याद नहीं करना, याद करने से ज्यादा इसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं कि जनाब, सबसे पहले तो आपको पता है कि जो बिजनेस है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ये आप लोग ने PRC में भी पढ़ा कि तीन टाइप्स के बिजनेस है। एक बिजनेस होता है कि जनाब रिटेलर का, रिटेलर कौन से बिजनेस वाले होते हैं कि ये वो लोग होते हैं कि जिन लोगों ने कोई चीज बनी बनाई खरीदते हैं, जिस हालत में खरीदते हैं, बगैर किसी मेजर मॉडिफिकेशन के, ट्रांसफॉर्मेशन के, वो आगे बेच देते हैं। जैसे मैं एक पेन, अगर मैं इस पेन को बेचता हूं, बना बनाया खरीदता हूं और इसको आगे बेच लूं, तो मैं रिटेलर। रिटेलर की जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो बहुत सीधी साधी होती है, क्योंकि इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। मतलब हमने इसके खरीदने पे जितना पैसा खर्च किया, फिर इसके कैरेज इन पे खर्च हुआ, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी या कोई और टैक्सेस वगैरह ऐड कर दूंगा, बस इससे ज्यादा इसकी कॉस्टिंग नहीं होती। उसके बाद एक होता है सर्विस का बिजनेस, सर्विस इंडस्ट्रीज। सर्विस बिजनेस के अंदर भी ना बहुत ज्यादा कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं होती, होती है लेकिन इसमें भी, क्योंकि सर्विस के अंदर पहली चीज स्टॉक होता ही नहीं है, और दूसरी चीज कि इसके अंदर सिर्फ लेबर और ओवरहेड इस्तेमाल होते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती। तीसरा आ जाता है जनाब मैन्युफैक्चरर, जिसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग पैदा हुई। अब देखो, रिटेलर भी कॉस्टिंग करता है, सर्विस वाला भी कॉस्टिंग करता है, हमारे सिलेबस में भी है ये चीजें, लेकिन मेन जो 90% कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, वो होती है मैन्युफैक्चरर की। हमारे सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जो मैन्युफैक्चरर है कॉस्टिंग करता है, मतलब किसी भी चीज को बनाने के लिए जितना उसका खर्चा आए। अब इसमें जो मेन इसमें फर्क होता है रिटेलर और मैन्युफैक्चरर में, जैसे रिटेलर है जो चीज खरीदता है उसी हालत में बेचता है, कोई बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं आती उसमें। जो मैन्युफैक्चरर है वो जिस हालत में चीज खरीदता है किसी और हालत में बना के बेचता है। जैसे फर्नीचर वाला लकड़ी खरीदेगा, कोई कपड़ा खरीदेगा, कोई फोम खरीदेगा, उनको फर्नीचर की सूरत में, चेयर, टेबल, बेड, किसी सूरत में बनाकर बेचेगा। लेकिन ये जो पेन का सेलर था, वो इसको जिस हालत में खरीदता है, प्राइस टैग या अपना नाम का टैग लगा के आगे बेच देता है, ठीक होगी बात। तो मैन्युफैक्चरर की मेन हमने कॉस्टिंग करनी होती है, और मैन्युफैक्चरर के अंदर जो वो कॉस्ट का काम कर रहा होता है उसमें मेन तीन चीजें लगा रहा होता है। मतलब एक तो मटेरियल होता है, यानी जो मैन्युफैक्चरर है वो रॉ मटेरियल खरीदेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के लिए उसे जरूरत पड़ेगी लेबर की। अब कोई भी मैन्युफैक्चरर है फर्नीचर का या इवन के इस पेन का, मटेरियल भी खरीदता है, फिर उस मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए लेबर की जरूरत पड़ती है, मतलब मजदूरों की। फिर तीसरे नंबर पर लेबर और मजदूरों के अलावा जितने खर्चे होंगे उसको बोला जाता है ओवरहेड्स। तो मेरे भाई तीन टाइप के खर्चे हो गए, मटेरियल, लेबर
ओवरहेड, और आपका जो ये बुक है पूरी की पूरी इन तीनों के गिर्द घूमती है। 90% आपका सिलेबस ना इन तीनों के गिर्द घूमेगा। जैसे कॉस्टिंग करना कि आप इस पेन के ऊपर मटेरियल कितना लगा है, दैट इज कॉस्टिंग। अब खरीदना कहां से है? मैनेजमेंट। उसके बाद इसकी जो वेस्टेज है उसको कंट्रोल कैसे करना है, वेस्टेज ज्यादा हो रही है कम हो रही है, कितनी कंट्रोल की जा सकती है। फिर उसके बाद मटेरियल की जो कंजम्पशन है, मटेरियल रखना कहाँ पर है, मटेरियल खरीदना कितना है, किससे खरीदना है, ये सारी चीजें मैनेजमेंट में आ जाती है। लेबर के अंदर क्या होता है कि जी लेबर की कॉस्टिंग तो सीधी सीधी है ना कि भाई साहब 1 घंटे के हमने इतने पैसे देने, या हमने 1 यूनिट के इतने पैसे देने हैं, या हमने दिहाड़ी के इतने पैसे देने। अब लेबर की एफिशिएंसी देखना, लेबर को देख के कौन सी लेबर से हमने ज्यादा काम करवाना है, कौन सी लेबर से कम काम करवाना है, ये सारा आ जाता है मैनेजमेंट में। ओवरहेड क्या है? जैसे आपकी फैक्ट्री का बिजली का बिल आ रहा होगा, वो मटेरियल और लेबर दो नहीं है ना, ओवरहेड्स। रेंट दे रहे होंगे, ओवरहेड्स। वहां पर और भी बहुत सारी चीजें होंगी जो मटेरियल और लेबर के अलावा होंगी, और वो सारे खर्चे किस में आ जाएंगे? ओवरहेड। कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद क्या है, क्यों पढ़ते हैं? देखिए, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मेरा इस पेन बनाने पे कितना खर्चा आया है, तो मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि मैंने इसको बेचना कितने का है। सबसे पहले मैं इसकी कॉस्टिंग करूंगा कि मटेरियल इस पे इतना लगा, लेबर इतनी, ओवरहेड और इतने लगे, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मैंने इसको बेचना कितने का है। ठीक होगी बात? तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि अच्छा जी, मटेरियल दो टाइप का होता है, लेबर भी दो टाइप की, ओवरहेड भी, बाकी भी इनकी टाइप्स हैं, लेकिन मेजर दो टाइप्स होते हैं। तो जनाब, मटेरियल की जो दो टाइप्स हैं ना, एक को बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपने ये सिर्फ बातें सीखनी है, नोट कर लें और बस सीखें, याद नहीं करनी, रट्टा नहीं लगाना, इनडायरेक्ट मटेरियल। लो मेरे भाई, पहले तो हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, ऐसा मटेरियल जो आप जो चीज की कॉस्ट फाइंड करने जा रहे हैं या कॉस्टिंग करना चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। जैसे अगर मैं इस पेन की कॉस्टिंग करना चाहूं ना, तो इसे क्या बोलूंगा? कॉस्ट यूनिट। तो जिस कॉस्ट यूनिट की मैं कॉस्ट फाइंड करना जा रहा हूं, उसके अंदर जो मटेरियल नजर आ रहा होगा वो डायरेक्ट मटेरियल। जैसे अगर मैं किसी और चीज की आपको एग्जांपल दूं, यहां पर ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन के अंदर जैसे जो जो चीजें नजर आ रही है ना, जितना मटेरियल नजर आ रहा है, वो सारे का सारा डायरेक्ट मटेरियल होगा, जो इसके अंदर भी होगा चाहे बाहर होगा, सारा डायरेक्ट मटेरियल। और ये पेन के अंदर जो प्लास्टिक है, बल्कि ये मार्कर की एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ये ज्यादा बेस्ट है। ये प्लास्टिक लगा हुआ है, इसके अंदर ये निब इस्तेमाल हो रही है, अंदर एक फिल्टर होगा, ये सारे का सारा डायरेक्ट मटेरियल है। अब किसी भी कॉस्ट यूनिट के अंदर जो जो मटेरियल नजर आ रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल हो। अब फिर इनडायरेक्ट मटेरियल की एग्जांपल दें। अब आप मुझे बताएं कि जो लेबर ये मार्कर बना रही होगी, और खास तौर पर जो फिल्टर की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मसरूफ होगी, वो फिल्टर इसके अंदर ऐड करेगी, इंक ऐड करेगी, हो सकता है उनके हाथ गंदे हो जाए, उसको उनको हाथ धोने के लिए एक सैनिटाइजर या कोई लिक्विड या कोई साबुन वो इस्तेमाल करते होंगे ना, वो भी तो मटेरियल है। लेकिन मुझे बताएं, वो जो साबुन हाथ धोने के लिए उन्होंने रखा हुआ है, क्या इस मार्कर के अंदर कहीं है? दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल। मतलब वो तमाम चीजें, वो तमाम मटेरियल किसी भी फॉर्म में हो, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, अगर वो कॉस्ट यूनिट के अंदर नजर आ रहा हो, इसके अंदर ट्रेस किया जा सके, डायरेक्ट मटेरियल। अगर वो नजर ना आता हो, वो सही इस्तेमाल हो रहा हो कहीं ना कहीं, लेकिन इसके अंदर अवेलेबल ना हो, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे मैंने एग्जांपल दी, इसका प्लास्टिक सारा डायरेक्ट मटेरियल, ये जो निब है इसके अंदर जो चीज इस्तेमाल हो रही है डायरेक्ट मटेरियल, इसके अंदर जो फिल्टर है वो डायरेक्ट मटेरियल, जो इसके अंदर इंक इस्तेमाल हो रही है पहली दफा, वो भी डायरेक्ट मटेरियल हो जाएगी। अब बाकी जो चीजें हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि वो हाथ धोने के लिए उन्होंने अपने पास कोई सैनिटाइजर या मटेरियल, कोई भी लिक्विड रखा होगा या साबुन रखा होगा, तो वो भी तो एक मटेरियल ही है।
लेकिन वो इसके अंदर नजर नहीं आ रहा। दूसरा, मैं आपको बताता हूं, जो मशीनें इसके लिए इस्तेमाल हो रही होंगी, उन मशीनों के लिए भी कोई ऑयल वगैरह इस्तेमाल हो रहा होगा, वो भी तो एक मटेरियल है, ऑयल एक मटेरियल के तौर पर होगा, लेकिन वो इसके अंदर नजर नहीं आ रहा। कहीं आपको नजर ऑयल नजर नहीं आ रहा होगा कि वो जो मशीनों के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, मशीनों में ग्रीस इस्तेमाल होती है, कोई और लुब्रिकेंट इस्तेमाल हो सकता है, तो वो सारा इनडायरेक्ट मटेरियल। तो भाई जान, जो चीज इसके अंदर मौजूद है वो डायरेक्ट मटेरियल, जो मटेरियल तो इस्तेमाल तो होता है मैन्युफैक्चरिंग में लेकिन कॉस्ट यूनिट के अंदर ट्रेस नहीं होता, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। उम्मीद है आपको समझ लगी होगी, फिर भी अगर समझ ना लगे ना तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज जरूर कर दे, ठीक है? आपका ऑनलाइन वाले लोगों का मैं जो ग्रुप है वो क्रिएट हो चुका है, आप जितने भी लोग हैं उसमें ऐड हो जाएंगे और कर रहे हैं, तो फिर जो भी अगर इश्यू आएगा तो आप मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं और ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। गॉट इट? अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट लेबर, सॉरी लेबर भी मेरे भाई दो टाइप की होती है, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। वैसे तो जब ये हम अलग अलग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि इंट्रोडक्शन है तो डायरेक्ट लेबर भी बिल्कुल ऐसे ही है। वो तमाम लोग जो इस मार्कर की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व है, इस कॉस्ट यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कोई कैप बना रहा है, कोई ये प्लास्टिक बॉडी, ये बॉडी बना रहा है, कोई ये निब बना रहा है, कोई फिल्टर बना रहा है, चार लोग हो गए, ये चारों लोग डायरेक्ट लेबर है। फिर एक बंदा है इन चारों से सामान लेकर इसको फिक्स और फिट कर रहा है, वो भी डायरेक्ट लेबर है। अब वो तमाम बंदे जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वॉल्व है बनाने में, वो सारी लेबर डायरेक्ट लेबर है। अब इनडायरेक्ट लेबर पर आ जाए, बाहर कुछ लोग गार्ड के तौर पर बैठे हैं, या वो क्या करते हैं कि हमारा जो ये मटेरियल तैयार हो जाता है इसको मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचाते हैं, अब वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हम उनको भी पैसे तो देते हैं। अब वो जो डिलीवरी व्हीकल वाला है, जो स्टॉक एक जगह से दूसरी जगह लेकर आता है, दैट इज इनडायरेक्ट लेबर। अब उसको बेचारे को तो इसमें से कुछ बनाना भी नहीं आता होगा, और ना ही वो किसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व। तो जितनी लेबर, जितने लोग इस कॉस्ट यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है डायरेक्टली इसको बनाने में, वो सारा डायरेक्ट लेबर। जो इसके अलावा लेबर होगी, जैसे कोई वॉचमैन है, जैसे कोई डिलीवरी व्हीकल का ड्राइवर है, वो सारे का सारा किस में आ जाएगा? इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। हाँ, जो बनाने वालों को बंदा सुपरवाइज भी कर रहा होता है, वो जो सुपरवाइजर होता है वो जहरी सी बात है, वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वो तो उसको ओवरऑल सुपरवाइज कर रहा है, तो वो भी इनडायरेक्ट लेबर में चला जाता है। ठीक होगी बात? उसके बाद हम चलते हैं ओवरहेड। ओवरहेड दो टाइप के होते हैं, मेन दो टाइप के, बाकी इसमें और भी हम देखेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं, नॉन प्रोडक्शन, वो ओवरहेड के चैप्टर में देखेंगे, लेकिन मेन ओवरहेड दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड, ये भी हम बाद में देखते हैं अभी, और एक होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड। थोड़ा सा बता देता हूं, वेरिएबल ओवरहेड ऐसे ओवरहेड जो आप की प्रोडक्शन ज्यादा या कम होने पे चेंज हो, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करोगे जो ओवरहेड है वो ज्यादा आते हैं, कम प्रोडक्शन करोगे कम ओवरहेड आते हैं, उसे बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड। फिक्स्ड ओवरहेड मतलब आप चाहे कम प्रोडक्शन करो ज्यादा प्रोडक्शन करो वो फिक्स रहते हैं। मिसाल के तौर पर रेंट है, अब रेंट अगर आप अपने फैक्ट्री के अंदर 5,000 यूनिट बनाओ, 10,000 बनाओ, 2,000 बनाओ, आपको एक रेंट की फिक्स अमाउंट देनी पड़ेगी। इसी तरह जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं उसके ऊपर जो बिजली इस्तेमाल होती है, जो पावर इस्तेमाल होती है, मतलब फ्यूल एंड पावर भी इसे कहते हैं, सॉरी हीट एंड लाइट बेसिस कहते हैं, तो ये जो बाकी चीजें सब, जो जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मशीन इस्तेमाल हो रही थी और उस मशीन के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बिजली बत्ती जिसे आप कहते हो, अब वो जितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हो रही है, अगर आप यूनिट कम बनाओगे तो मशीन कम चलाओगे, अगर ज्यादा यूनिट बनाओगे तो मशीन ज्यादा ऑपरेट करनी पड़ेगी, बिजली का बिल ज्यादा आएगा। तो ये होते हैं वेरिएबल ओवरहेड, और कुछ ओवरहेड होते हैं जो चाहे आप जितनी मर्जी प्रोडक्शन करते रहे वो चेंज नहीं होते, वो फिक्स रहते हैं, ठीक है? वैसे ओवरहेड प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड भी होते हैं,
वो हम आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे जब ओवरहेड नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है ओवरहेड के ऊपर। गॉट इट। अब उसके बाद अगली एक छोटी सी बात देखते हैं, ये वेरिएबल की बात हम की है कि वेरिएबल ओवरहेड होते हैं या फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं, इसको देख लेते हैं। इसे बोलते हैं कॉस्ट बिहेवियर। जो नेक्स्ट हम चीज पढ़ने जा रहे हैं ना, कॉस्ट बिहेवियर। बिहेवियर का तो लफ्जी मतलब पता है ना आपको या नहीं? बिहेवियर किसे कहते हैं? बिहेवियर का मतलब होता है कि जनाब रवैया। अगर हम इंसान के बिहेवियर की बात करें तो कभी कैसा चेंज होता रहता है, कभी मूड अच्छा होता है, कभी मूड खराब होता है, तो कॉज का भी एक बिहेवियर होता है। इसका भी मूड कभी अच्छा होता है, कभी खराब होता है। मिसाल के तौर पर मूड चेंज हो जाना तो कॉज चेंज हो जाए। तो मेन जो कॉस्ट बिहेवियर में चीज आती है ना, वो आती है कि जनाब एक हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है, मतलब कि जो मर्जी हो जाए चेंज नहीं होती। टाइम के लिहाज से चेंज हो सकती है, वैसे प्रोडक्शन या एक्टिविटी के चेंज होने से चेंज नहीं होती। उसे कहते हैं इस कॉस्ट का बिहेवियर है कि ये फिक्स रहती है, एक्टिविटी के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा कि रेंट है फैक्ट्री का, ओवरऑल जो बिजली इस्तेमाल होती है पूरी बिल्डिंग के अंदर, वो जो एक तो होता है ना मशीनों के लिए इस्तेमाल हो रही है, नहीं, जो ओवरऑल इस्तेमाल होती है उसका खर्चा, सुपरवाइजर की सैलरी, वॉचमैन की सैलरी, जितनी भी प्रोडक्शन करें हमने उनको फिक्स पैसे देने हैं तो वो फिक्स रहेगी। मतलब जो फिक्स कॉस्ट होती है वो कॉन्स्टेंट रहती है ड्यू टू चेंज इन एक्टिविटी। अब एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? यूनिट बनाना या लेबर जो नंबर ऑफ आवर्स काम कर रही है या जो मशीन इस्तेमाल हो रही है, ये सारी एक्टिविटीज होती है। देखो मजदूर ज्यादा काम करेंगे हमें उन्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कम काम करेंगे कम पैसे देने पड़ेंगे। इसी तरह मशीन ज्यादा घंटे चलेगी बिजली का बिल ज्यादा आएगा, कम घंटे चलेगी कम आएगा। इसी तरह से मटेरियल है, ज्यादा यूनिट बनाएंगे मटेरियल ज्यादा लगेगा, कम यूनिट बनाएंगे कम लगेगा। ये होता है वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट क्या होती है? आप कम यूनिट बनाए आप ज्यादा यूनिट बनाए, आप सोए रहे आप काम करते रहे, वो कॉस्ट चेंज नहीं होगी। जैसा कि रेंट है, जैसे आपने कहा इस दफा आपने 5 लाख यूनिट बना ले तो रेंट वही होगा, आप कोई यूनिट ना बनाए ऑनर आकर आपसे रेंट ले लेगा। तो ऐसी कॉस्ट जो एक्टिविटी के चेंज होने से चेंज ना हो फिक्स कॉस्ट, और अगर चेंज हो तो वेरिएबल। गॉट इट। इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एक एग्जांपल से मैं आपको वेरीफाई कर दूंगा तो वो ज्यादा आपको बेस्ट लगेगी, वरना मुश्किल है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, चले जी एग्जांपल लिख लें और साथ में वो उसके फिर ग्राफ भी इसका सिखाता हूं। देखें सपोज दैट हमारे पास ना यूनिट है, हम एक मैन्युफैक्चरर हैं, एक यूनिट बनाए 2, 4, 8, 16, ठीक है। इसके ऊपर एक फिक्स्ड कॉस्ट आएगी, ये सपोज कर देते हैं 1000 है जी, 1000 मतलब ये है कि आप चाहे एक यूनिट बनाओ तो भी 1000 लगेगा, दो यूनिट बनाओ, चार बनाओ, आठ बनाओ, 16 बनाओ, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट पहले बताओ होती क्या है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मटेरियल मोस्टली और लेबर मोस्टली, और भी हो सकते हैं। आप बना रहे हो ये एक मार्कर है, इस मार्कर पे बनाने के लिए जितना मटेरियल लगा, मैं कहता हूं जनाब मिसाल दे रहा हूं हकीकत नहीं है, कि इसके ऊपर ना 100 रुपए का मटेरियल लग गया, मतलब सारा मटेरियल फिल्टर पेन निब सब कुछ मिला 100 रुपए लगा, और 100 रुपया ही इस मार्कर को बनाने वाले की मजदूरी लग गई। मतलब एक मार्कर बनाने से फिट करने वाले सारे लोग हमसे 100 रुपया ले लेते, तो हमारा 200 रुपया लग गया।
मतलब 100 मटेरियल का, 100 लेबर को। अब जो दूसरा मार्कर बनेगा, क्या फिर भी 200 रुपये लगेगा उसी 200 में? नहीं, और मटेरियल लगेगा दूसरे मार्कर के लिए, उसके लिए लेबर वो अलग 200 रुपये ले, 100 रुपये ले। तो मतलब ये कि अगर हम एक मार्कर बनाते हैं तो मटेरियल और लेबर 200 रुपया लगती है, और अगर हम दो मार्कर बनाएंगे तो 400 का लगेगा, क्योंकि यूनिट ज्यादा तो वेरिएबल कॉस्ट है। चार यूनिट बनाएंगे, एक पे लगता है 200, चार यूनिट पे कितने लगेंगे? 800। आठ यूनिट पे कितने लगेंगे? 1600। 16 यूनिट पे कितने लगेंगे? 3200। मतलब ये कि आप लोगों को एक मार्कर बनाने पे 200 रुपया लग रहा है, दो बनाओगे तो 400 लग जाएगा, चार बनाओगे तो 400 को 4 से 200 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो आपको समझ लग रही होगी, ये मुझे भी पता है, लेकिन यहां पर ये एक और इंटरेस्टिंग चीज है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना था। पर यूनिट चीज ये है फिक्स्ड कॉस्ट 1000 रुपया, और इसके बदले बने एक यूनिट, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई? कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स, 1000 को एक पे डिवाइड किया, फिर 1000 कॉस्ट आई, दो यूनिट बनाए, पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ गई? 500। चार यूनिट बनाए 1000 रुपए में, पर यूनिट कितनी कॉस्ट आ गई? 250। बात समझ रहे हो? 1000 यूनिट, 1000 रुपए लगा, 8 यूनिट बने, अगर हम पर यूनिट फिक्स कॉस्ट देखें तो तकरीबन 125। अब 16 यूनिट बनाओगे तो कितनी कॉस्ट लग जाएगी? तकरीबन 62.5 शायद। गॉट इट? कैलकुलेटर में देख लूंगा। 1000 डिवाइडेड बाय 60, जी 62.5। अपने ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट, प्रोडक्शन ज्यादा हुई कम हुई फिक्स रही, लेकिन अगर हम पर यूनिट देखें तो यूनिट बढ़ने के साथ साथ पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। इसे बोलते हैं कि ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स रहती है बट पर यूनिट रिड्यूस होती है। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। देखो जरा फिर इंटरेस्टिंग बात क्या है। 200 टोटल कॉस्ट लगी है वेरिएबल, और एक यूनिट बना है, डिवाइड करें आपस में तो पर यूनिट 200 रुपए। 400 टोटल कॉस्ट लगी है वेरिएबल, दो यूनिट बने हैं तो पर यूनिट 200। 800 टोटल कॉस्ट, चार यूनिट बना लिए, पर यूनिट 200। फिर 1600 कॉस्ट लग गई, आठ यूनिट के बदले टोटल, पर यूनिट 200। 3200 कॉस्ट लगी, 16 यूनिट बनाए, डिवाइड किया। है ना एक इंटरेस्टिंग चीज कि वेरिएबल कॉस्ट ओवरऑल तो बढ़ती जाती है लेकिन पर यूनिट फिक्स रहती है, मतलब हर यूनिट में मटेरियल लेबर 200 का ही है। गॉट इट? तो याद रखें, फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स है, वेरिएबल टोटल वेरिएबल। लेकिन अगर हम पर यूनिट की बात करें तो पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट है रिड्यूस होती जाती है जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जाए, और यही कंपनी इस चीज का फायदा उठाती है कि फिक्स कॉस्ट के अंदर रह के वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यूनिट बना सकें ताकि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम से कम होती जाए। और वेरिएबल कॉस्ट तो जाहिर सी बात है वही लगनी है कि मटेरियल भी हर मार्कर भी उतना लगेगा और थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है और लेबर भी उतनी लगेगी। क्लियर होगी बात? अब हम इसके थोड़े से ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ देखने के बाद फिर मैं आपको सिखाता हूं कि कुछ और कॉस्ट यानी टाइप्स ऑफ कॉस्ट भी होती हैं। ये चीज ना जब आपको समझाई जा रही होती है ना, अगर आपको कभी ऐसा मसला लगे कि नहीं ये चीज अंडरस्टैंड नहीं हो रही तो वीडियो रोक दो, पहले उसको मेंटली तौर पर ऑब्जॉर्व करो फिर आगे जाओ, ठीक है? क्योंकि ऑनलाइन पढ़ना एक जिहाद है, इसलिए इस जिहाद में आपका रोल सबसे ज्यादा है। देखिए सारे टीचर्स आपको बता देते हैं, सब कुछ समझा देते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कोई डेफिशिएंसी रह जाती है। हमारी कोशिश है कोई डेफिशिएंसी ना रहे,
मेरी कोशिश तो यही है कि मैं और ज्यादा आप लोगों के साथ यानी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत ज्यादा लिंक यानी अपना बना रखूं। तो प्रॉब्लम यह है कि मैं फ्री होता हूँ यानी रात के टाइम पर, मतलब मगरिब की नमाज के बाद, आप लोग दिन को ज्यादा फ्री होते हो। तो लेकिन कोशिश हम करेंगे कि इंशाल्लाह कि आपके जो सवालों के जवाब है मैं कोशिश करूँ कि एज अर्ली एज पॉसिबल दे दिया करूँ। ठीक है, चले मेरे भाई, अब आ जाओ हम चलते हैं ग्राफ के ऊपर। जो फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ है ना मेरे भाई, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का ग्राफ है ये, यहां पर होती है कॉस्ट और यहां पर होते हैं यूनिट्स या एक्टिविटी आवर्स वगैरह। अब देखें ये कॉस्ट यहां पर फिक्स है, चाहे आप जितने मर्जी यूनिट बनाए, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कॉस्ट चेंज नहीं होगी। बट अगर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की बात करें, ये शायद आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा हो, ये कुछ ऐसे बनता है कि पहले यूनिट पे बहुत ज्यादा कॉस्ट है, फिर कॉस्ट है, फिर कॉस्ट, जैसे जैसे यूनिट बढ़ते जाएंगे कॉस्ट रिड्यूस होती जाएगी और इवन के बहुत ही मिनिमम हो जाएगी। और अगर हम ग्राफ बनाते हैं वेरिएबल कॉस्ट का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, मतलब जैसे जैसे एक्टिविटी यूनिट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ती जाएगी। और अगर हम देखें फिक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का, तो जहरी सी बात है वो तो हर यूनिट पे फिक्स होती है, ये 200 रुपए जैसे, चाहे आप जितने मर्जी यूनिट बनाओ, इसने पर यूनिट फिक्स है। एक और भी ग्राफ होता है अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट का, अब उस टोटल कॉस्ट के डिफरेंट नाम है, उसको टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, उसको मिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। ये कोई हमारे सिलेबस में नहीं है, बस एक कॉस्ट की अंडरस्टैंडिंग है इसलिए आपको पता होना चाहिए, टोटल कॉस्ट, मिक्स कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट। लो मेरे भाई, इसका ग्राफ आप लोगों को पता है, देखो इसमें फिक्स कॉस्ट भी होगी, इसमें वेरिएबल कॉस्ट, मतलब टोटल कॉस्ट बराबर होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट तो आनी आनी है, फिर उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट भी आना शुरू होता है। एक और कॉस्ट का ग्राफ भी होता है जिसे बोलते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट मेरे भाई कुछ इस तरह से होती है, कुछ यूं, ये नीचे की तरफ भी हो सकती है ऊपर की तरफ भी। वो क्या है कि जनाब सपोजर मैं आपको कि आपने अगर 10 यूनिट्स तक खरीदना है या 10 यूनिट बनाने हैं तो आपकी 1000 रुपए कॉस्ट आएगी। या हम कहते हैं कि किसी जगह वो कहता है कि 10 स्टूडेंट्स अगर आप लेकर आओगे तो 1000 रुपए दे दो, 10 यूनिट हम मैनेज कर, लेकिन अगर 10 से 20 करोगे, 20 स्टूडेंट करोगे तो हम आपसे 2000 रुपए चार्ज करेंगे, मतलब 10 से बढ़ोगे और 20 तक, और अगर आप 20 से बढ़ के 30 तक जाओगे तो फिर हम 1000 और ऐड कर देंगे। मतलब एक रेंज तक, एक लिमिट तक कॉस्ट फिक्स रहती है, फिर एक जंप लेती है अगली रेंज तक। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक होगी बात। तो ये हमारी इस लेक्चर में सिर्फ ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी थी कि सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट था कि डायरेक्ट मटेरियल समझाना आपको, इनडायरेक्ट मटेरियल समझाना, डायरेक्ट लेबर समझाना और इनडायरेक्ट लेबर समझाना, मेन पर्पज ये था, बाकी एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है कॉस्ट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं अपने प्रॉपर जो हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है, हमारी बुक का भी हिस्सा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सीखते हैं। अल्लाह हाफिज़।